मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स के एक्सटेंशन ट्यूटोरियल पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम एक्सटेंशन या ऐड-ऑन एक्सटेंशन संस्थापित करने अनुशंसित एक्सटेंशन के बारे में सीखेंगे। यहां हम Ubuntu 10.04 पर फ़ायरफ़ॉक्स वर्जन 7.0 का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फ़ायरफ़ॉक्स ब्राउज़र खोलें। डिफ़ॉल्ट रूप से Yahoo होम पेज खुलता है। एक्सटेंशन या ऐड-ऑन क्या है? एक्सटेंशंस आपको फायरफॉक्स ब्राउजर के लिए नई सुविधाएं जोड़ने, मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि करने, अपनी प्रेफरेंसेस के अनुरूप फायरफॉक्स ब्राउजर को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। एक्सटेंशंस फायरफॉक्स ब्राउजर के भाग हैं और ब्राउजर की क्षमताओं का विस्तार करते हैं। उदाहरण के लिए आप एक्सटेंशंस संस्थापित कर सकते हैं जो विज्ञापनों या पॉपअप्स ब्लॉक करें, वस्तुओं की कीमतों की तुलना करें और मौसम की अपडेट भी प्रदर्शित करें। Grab and Drag एक्सटेंशन संस्थापित करें। Grab and Drag आपको विभिन्न तरीकों में वेब पेज स्क्रॉल करने देता है। यह Adobe Acrobat के Grab और Drag फंक्शन के समान है। मेन्यू बार से Tools और Add-ons क्लिक करें। Add-ons Manager टैब खुलता है। वैकल्पिक रूप से Add-ons Manager टैब खोलने के लिए आप Ctrl plus Shift plus A की एक साथ दबा सकते हैं। Add-ons Manager में बायां पैनल उपलब्ध ऑप्शंस प्रदर्शित करता है। ध्यान दें, डिफ़ॉल्ट रूप से ऑप्शन Get Add-ons चुनित है। दायां पैनल बाएं पैनल में चुनित ऑप्शन की जानकारी प्रदर्शित करता है, तो दायां पैनल Add-ons को परिभाषित करता है और आपको बताता है कि ऐड-ऑन के साथ कैसे आरंभ करें। यह कुछ ऐड-ऑन की सूची भी देता है जिन्हें आप संस्थापित कर सकते हैं। अब हम नया ऐड-ऑन Grab and Drag संस्थापित करेंगे। सबसे पहले ऊपर से दाएं कोने में स्थित सर्च बार में Grab and Drag टाइप करें, एंटर दबाएं। दायां पैनल अब ऐड-ऑन की सूची बनाता है जो कि खोजे गए नाम से मेल खाता है। यह भी ध्यान दें कि सभी ऐड-ऑन जिनके शीर्षक में ड्रैग शब्द है वह प्रदर्शित हुए हैं। ध्यान दें कि सूची में पहला नाम Grab and Drag एक सटीक मेल है। इंस्टॉल पर क्लिक करें। ज्यादातर सॉफ्टवेयर की तरह कुछ ऐड-ऑन्स में भी एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट्स हो सकता है। एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट डायलॉग बॉक्स पर एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पर क्लिक करें। ऐड-ऑन डाउनलोड प्रगति पर प्रदर्शित होता है। आगे एक संदेश प्रदर्शित होता है कि ऐड-ऑन संस्थापित होगा जब आप Mozilla Firefox रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक करें। Firefox ब्राउजर बंद होता है और फिर से खुलता है। नए टैब में ऐड-ऑन्स मैनेजर खुलता है। ध्यान दें कि Grab and Drag एक्सटेंशन Extensions टैब के दाएं पैनल में प्रदर्शित होता है। पिछले चरणों का अनुकरण करके अन्य एक्सटेंशन Scrapbook संस्थापित करें। Scrapbook आपको वेब पेज के संग्रह को सेव करने और प्रबंधन करने की अनुमति देता है। ध्यान दें कि इंस्टॉलेशन प्रगति बार और Firefox को बंद करने और रीस्टार्ट करने के संदेश अलग से प्रदर्शित नहीं होते हैं। वे Scrapbook बार में प्रदर्शित होते हैं। रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक करें। Scrapbook Firefox में संस्थापित हो चुका है। इस ट्यूटोरियल को रोकें और यह नियत कार्य करें। Firefox ब्राउजर में Add-ons मैनेजर खोलें। Get Add-ons ऑप्शन में Featured Add-ons सूची से एक नया Add-ons संस्थापित करें। Add-ons मैनेजर में Extensions ऑप्शन का उपयोग करके आप Extensions का प्रबंधन करें, अर्थात उन्हें जोड़ना, डिलीट करना या अपडेट करना। Firefox ब्राउजर में Add-ons Manager टैब पर क्लिक करें। बाएं पैनल से Extensions पर क्लिक करें। दाएं पैनल अब आपके कंप्यूटर पर संस्थापित किए हुए Extensions दिखाता है। Scrapbook के बारे में अधिक जानने के लिए इसे चुनें और More पर क्लिक करें। Scrapbook के बारे में विवरण प्रदर्शित होते हैं। Extension के बारे में जानने के लिए वेबसाइट लिंक पर क्लिक करें। अब बाएं पैनल में Extension ऑप्शन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि प्रत्येक एक्सटेंशन के लिए आप प्रेफरेंसेस निर्धारित कर सकते हैं, उनको निष्क्रिय या हटा सकते हैं। Grab and Drag चुनें और प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें। आप इस डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके अपनी प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं। डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए कैंसिल पर क्लिक करें।
अब स्क्रैप बुक चुनें और प्रेफरेंसेस पर क्लिक करें। ध्यान दें कि स्क्रैप बुक ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स ग्रैब एंड ड्रैग प्रेफरेंसेस डायलॉग बॉक्स से अलग है, इसलिए हर एक्सटेंशन की भिन्न सेटिंग्स होती हैं जो बदली जा सकती हैं। अगर एक एक्सटेंशन के लिए प्रेफरेंसेस बटन दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब है कि इसके लिए कोई प्रेफरेंसेस नहीं है। स्क्रैप बुक ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए क्लोज पर क्लिक करें। ज्यादातर सॉफ्टवेयर की तरह एडऑन्स भी नियमित रूप से अपडेट किए जाते हैं। स्क्रैप बुक अपडेट करने के लिए उसे चुनें, राइट क्लिक करें और फाइंड अपडेट्स पर क्लिक करें। अगर अपडेट्स पाए जाते हैं तो अपडेट बटन प्रदर्शित होता है। ऐड ऑन अपडेट करने के लिए उस पर क्लिक करें, क्योंकि यहां स्क्रैप बुक के लिए कोई अपडेट्स नहीं है, इसलिए अपडेट बटन प्रदर्शित नहीं होता है। अंततः अगर आप एक्सटेंशन का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो डिसेबल बटन पर क्लिक करें और अपने कंप्यूटर से एक्सटेंशन को निकालने के लिए रिमूव पर क्लिक करें। हमने एक्सटेंशन के बारे में सब कुछ सीखा। अब आप फायरफॉक्स में अधिक कार्यशीलता जोड़कर कार्यों को कारगर बनाने के लिए एक्सटेंशन का उपयोग कर सकते हैं। आप असंख्य एडऑन के बारे में जानने के लिए गेट एडऑन्स ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। फिर आप सबसे अधिक प्रासंगिक या उपयोगी एडऑन को चुनकर संस्थापित कर सकते हैं। फायरफॉक्स एक्सटेंशंस के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया फायरफॉक्स वेबसाइट पर जाएं। अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने एक्सटेंशन या एडऑन, एक्सटेंशन संस्थापित करने, अनुशंसित एक्सटेंशन के बारे में सीखा। यहां आपके लिए एक नियत कार्य है, वेबमेल नोटिफायर एक्सटेंशन खोजें और इसे अपने कंप्यूटर पर संस्थापित करें। इस एक्सटेंशन की सुविधाओं के बारे में पता करें और अपने मेल खाते से अपठित मेल की जांच करने के लिए इनका उपयोग कैसे करें। एक्सटेंशन को अक्षम करें, उसके बाद इसे फायरफॉक्स से निकाल दें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती हैं, उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे भारत सरकार के MHRD मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने ICT के माध्यम से समर्थित किया है। इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है, spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट सिद्धेश द्वारा अनुवादित है। IIT मुंबई की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।